यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपनी रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। रथ यात्रा से पहले हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और इनेलो पार्टी पर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको किन किन मुद्दों पर उन्होंने सरकार और इनेलो को घेरा है। किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे खिलाड़ी है, सब इस सरकार से विमुख हो गए। आशा जो थी सरकार से वो निराशा में बदल चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो मूल मंत्र क्या है? क्या मूल मंत्र है सरकार का? इस सरकार का है, ये कहती है काम की बात छोड़ो, भाईचारा तोड़ो और हमारी सरकार के काम को अपने नाम से जोड़ो। ये काम है, सिर्फ रिबन काटते हैं, ये काम नहीं करते। किसान से बचा बचा हम नहीं होने देंगे। आपने देखा किसान की यह हालत, आज किसान मजबूर होकर अपनी दूध टमाटर सड़कों में फेंक रहा है और इसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि किसान अपना ही नुकसान कर रहा है। ये नुकसान देश का है, किसान मजबूर है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी ये आज ऐलान किया है, हम किसान के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई उनके साथ करेंगे। भी किसान मजबूर है, क्यों नहीं वायदा किया आपने? इस वायदा का एक विपक्षी दल है तो इससे मिला हुआ है। कभी आपने सुना है, कभी सुना है? अखबारों में पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हैं? हम जेल भर रहे हैं। और जेल कहाँ भर रहे हैं? वहीं आदमी इकट्ठे करके स्पेस पे आके एसडीएम कहता है जेल में भी जेल है, छुट्टी में बस में घूम।